हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर हुए नए तख्ता पलट को। जी हाँ, बात कर रहे हैं इस समय चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है कि रिकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, अगर उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को जीत मिलती है तो चुनाव को जो है दोबारा करने की जो है इसकी विचारधारा पे सोचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर अटकलें बहुत ज्यादा। जी हाँ, जनादेश की जो मैंडेटरी थी वो जो है तेजस्वी यादव की थी, लेकिन चुनाव के नतीजे जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में गए यानी एनडीए के पक्ष में गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है और इस बात की जो है फिलहाल जांच चल रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया है आरजेडी नेता मनोज झा ने, कासा तंज कहा, जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार 40 सीट नहीं पाते। जी हम बात कर रहे हैं बिहार इलेक्शंस को लेकर बहुत ही बड़े बड़े नेताओं ने जो अपने अपने बयान दिए, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि बेईमानी से बीजेपी ने जो है इस चुनाव में धांधली की और जिसकी वजह से बीजेपी को जीत हासिल हुई, अन्यथा इस पर जो है चुनाव में लगातार 2020 के चुनाव में पूरा जनादेश जो थे महागठबंधन के पक्ष में था। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब सूबे के नेताओं और पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी कड़ा में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कि मनोज झा का कहना है कि आगे आगे देखिए बिहार में होता क्या है, जनादेश शासन देश के लोगों ने फर्क देख लिया है, अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार 40 सीट पर नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं जनता जानती है लगातार मुख्यमंत्री का जो पद है वो सातवीं बार जो है अगर वो जीत जाते हैं, यानी कि बिहार में वो 25 सीटों पे अगर काउंटिंग आ जाती है एनडीए के पक्ष में, तो सातवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ जो है जनादेश पूरी तरह से जा चुका है और जिसकी वजह से जो है वो 40 सीटों पर आ चुके हैं, अन्यथा बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जो है नीतीश कुमार उभरे थे बिहार में, लेकिन इस समय हालत बहुत ज्यादा उनकी खराब यहाँ पे नजर आ रही है। बात करें एनडीए के गठबंधन होने की वजह से नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी भी बिहार में राजनीति चल रही है, क्योंकि साठ गांठ की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन मुकेश सहनी और हम पार्टी के जो जीतनराम मांझी है उनके सहयोग से एक बार फिर एनडीए जो है सत्ता से बेदखल हो सकती है। जी हाँ, और अभी जो है फिलहाल काउंटिंग चालू है, काउंटिंग के रिजल्ट्स जो है अनाउंसमेंट नहीं किए गए। अगर 25 सीटों के काउंटिंग में अगर 15 सीट भी तेजस्वी यादव के पक्ष में जाती है तो बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। बात करें तारकिशोर प्रमोद कौन है, जी हाँ, तारकिशोर के बारे में भी काफी लोगों ने पूछा, जो विधानमंडल दल के नेता है चुने गए हैं, उन्हें जो है सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। और उसकी अगली सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बिहार में इस समय इलेक्शंस के बाद जो नए अटकलें आई साठ गांठ की, उसमें काफी ज्यादा गहराई नजर आ रही है, क्योंकि जो पद जो महागठबंधन की तरफ से जो ऑफर दिए जा रहे हैं जीतन मांझी को मुकेश सहनी को, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो दल हैं वो एक बार फिर से महागठबंधन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि 25 सीटों की काउंटिंग के रिजल्ट्स कब तक चुनाव आयोग घोषित करता है, और अगर इस पे जो है जनादेश बिहार में यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता है तो फिर से चुनाव होने की जो संभावना है उसे और ज्यादा हवा मिल जाएगी और हो सकता है फिर से एक बार चुनाव किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव में धांधली की गई है। तो आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार में चुनाव में क्या धांधली हुई है और रिकाउंटिंग जो की जा रही चुनाव आयोग के द्वारा वो सही है या गलत है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।